हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कंटिन्यूस हमारा सीरीज चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो हम एक एक पैटर्न को लेकर आपको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। आज हम 6 पार्ट में पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन के आगे के पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले के 5 पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, आप लोग के फार्मूले पूरे लर्न हो गए होंगे और एक एक पैटर्न को आप क्लियर करते जा रहे होंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे तो धीरे 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 आपका इंटीग्रेशन पर अच्छा कमांड हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल पैटर्न का नेक्स्ट फॉर्म। और ये हमारा आज का जो फॉर्म है इंटीग्रेशन का, वो ये है। स्पेशल पैटर्न है आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये है हमारा पैटर्न। अब आपको याद होगा पीछे का क्लास कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का किया है, लेकिन उस समय न्यूमरेटर में मतलब अंश में या तो 1 होता था या कोई कांस्टेंट भी हो सकता था, लेकिन वहां पर एक्स का फंक्शन नहीं होता था। ध्यान रखना, यहाँ पर x का फंक्शन होना जरूरी है। ये x, यदि ये पी एक्स ना हो, q अपान हो, तो पुराने पैटर्न पर चला जाएगा। तो यदि इस पैटर्न का हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करने का 2 तरीका बताऊंगा। एक तो ट्रेडिशनल मेथड एग्जाम में आने से आप ऐसा लिखेंगे, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, x प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। मेथड को ध्यान से समझना। आप लोगों को मैं कई बार ये याद दिला चुका कि स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का मेथड इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि उसको आप समझने के बाद वैसे सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है मतलब x प्लस टू, इसको हम सपोज करेंगे कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका मेथड है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और प्लस बी। इस फॉर्म में हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या मैंने बताया, न्यूमरेटर, ये देखो ये अंश है, अंश को हमने a इंटू ए, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस फाइव प्लस बी। इस रूप में सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, मानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसा दिया हुआ है। x प्लस टू इक्वल ए अंडर ब्रैकेट, इसका जब अवकलन होगा तो हो जाएगा 4x प्लस ये होगा 6, 5 का 0 हो जाएगा प्लस बी। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड से x और कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर है x प्लस टू इक्वल, यहाँ पर मैं इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 4ax प्लस ये होगा 6a और प्लस ये b। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये x है, x का कोफिशियंट 1 है, और यहाँ पर ये x है और x का कोफिशियंट क्या है, 4a है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है 6a प्लस b और यहाँ पर कांस्टेंट है 2। तो दोनों साइड का यदि हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4a इक्वल टू 1, 4a इक्वल टू 1 दैट इंप्लाइज a इक्वल 1 बाई 4 और ये है 6a प्लस b और 6a प्लस b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। दैट इंप्लाइज यहाँ से हम a का वैल्यू ऊपर से पुट कर दें तो 6 इंटू 1 बाई 4
प्लस बी इक्वल टू टू, दैट इंप्लाइज को सॉल्व करें तो 3 बाई टू हो जाएगा, और उधर ट्रांसफर करके b इक्वल टू टू माइनस 3 अपॉन टू, दैट इंप्लाइज b इक्वल टू टू एलसीएम आएगा तो 4 माइनस 3 माने 1 अपॉन टू। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखो a और b का दो वैल्यू फाइंड कर लिया, a का वैल्यू फाइंड कर लिया 1 अपॉन 4 और b का वैल्यू फाइंड कर लिया 1 अपॉन 2। इस प्रकार से इस वैल्यू को हम यदि यहाँ पर रख दें, ये जो हमारा वैल्यू आया है ये यहाँ पर यदि हम a और b के वैल्यू को पुट अप कर दें तो x प्लस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो देयर फोर यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं तो x प्लस टू इक्वल a का वैल्यू क्या है 1/4, तो हो जाएगा 1/4 और अंडर ब्रैकेट 4x प्लस 6 और प्लस ये है b, तो b का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में? मतलब ये जो x प्लस टू का जो वैल्यू आया था एक बार अवकलन करने के बाद, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो हमने a और a का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिया यहाँ, और b का वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया, तो ये हमको मिल गया x प्लस टू इक्वल टू इतना। अब इस वैल्यू को हम, ये सपोज हमारा क्वेश्चन है, इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, तो इस वैल्यू को वहाँ पर पुट अप कर देते हैं। किसके वैल्यू को पुट अप कर देंगे? ये x प्लस टू के वैल्यू को हम अपने मूल क्वेश्चन में यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मेथड को बस ध्यान रखना ना, मेथड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x से क्या हो जाएगा, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू का वैल्यू ये 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 और अपन 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। देखो क्वेश्चन का लेंथ बढ़ता जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे के कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ता जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, क्लियर यहाँ तक? अब क्या कर रहे हैं अपने को, मैं नेक्स्ट पेज में इसको यूज करता हूँ या इसका हमको देखने का ज़रूरत पड़ेगा तो यहीं पर कर दूँ। चलिए मैं यहीं मूव करता हूँ इसको, इसी पेज पर मूव करके आपको बता रहा हूँ ताकि कंपेयर करके आप उसको देख सको। ये आपके लेफ्ट पार्ट में ये रखा हुआ है और मैं इसी के साइड में आपको इसको बता रहा हूँ, फिर बाद में एक साथ कंबाइन कर देंगे। इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, अभी हमको इसको बार बार देखना पड़ेगा। तो हमारे बोर्ड में कई तरह का फैसिलिटी यूज़ करते हैं उसको अपन, दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें एक बार इसको डिवाइड कर देंगे और 1/2 में एक बार इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन का दो पार्ट बन जाएंगे, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को मैंने बाहर कर दिया, ये 1/4 को, तो ऊपर बच जाएगा 4x + 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस यहाँ से 1/2, ये 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ये dx ना, यहाँ पर dx लिखना है, और ये हो जाएगा 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। आगे चल के आपको लगेगा वही मैं काम कर रहा हूँ दो चार पैटर्नों को करने के बाद। अब यहाँ पर आपको दो इंटीग्रेशन हो गया, इस इंटीग्रेशन में आप देखो दैट इम्प्लाइज आई इक्वल 1/4। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, अब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है इंटीग्रेशन, ये जो नीचे आप फंक्शन देख रहे हो ये इसका f(x) है। आपको याद होगा मैंने पहले आपको एक कॉन्सेप्ट शुरुआत में समझाया था, यदि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अपॉन फंक्शन ऑफ x
dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये होता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। याद है मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको पैटर्न बताया था कि नीचे का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर हो तो log फंक्शन ऑफ x होता है। तो यहाँ पर आप देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है 2x स्क्वायर का 4x होगा, 6x का 6 होगा, 5 का 0 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर हमने इसको आगे बनाया है, मेथड को ऐसा बनाया ही गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 log ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस ये जो हम देख रहे हैं इसका हमको इंटीग्रेशन करना है इसके पहले जो पैटर्न पढ़े हैं उसके बेस पर, क्लियर। तो उसका हमको इंटीग्रेशन वहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखने के तरीके को थोड़ा आपको चेंज कर रहे हैं। एक देयरफॉर आई इक्वल टू इसको मैं ले लिया I1 और प्लस सेकंड पार्ट को ले लिया I2, इसको दे दिया रिलेशन नंबर 2। तो ये मैं I1 का वैल्यू निकाला हूँ, I1 इक्वल टू ये वाला पार्ट का, तो इतना निकल गया। इस ऐसा लिखने से आपको क्या होगा, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो हमने निकाल लिया I1 का वैल्यू जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना ना, ये वाले पार्ट को मैंने I1 कहा और प्लस वो वाले पार्ट को I2 कहा। अब हम निकालते हैं I2 का वैल्यू, हालांकि उसको मुझको मेरे को बताने का जरूरत अब आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन में बता देता हूं अब आपको। I2 इक्वल टू 1/2 सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx दैट इक्वल 1 करना है। अब आपको पीछे पैटर्न पे जाना है, यहां से 2 को कॉमन करना है, ठीक है। तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, यहीं पर हम कॉमन कर देते हैं 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, 2 2 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से कॉमन होगा तो हो जाएगा 3x और यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 5/2। अब इसको बनाना है हमको होल स्क्वायर, तो 1/4 के बाद dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये x स्क्वायर और 3x प्लस 5, इसको होल स्क्वायर बनाना है तो होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a भी लिखते हैं तो 2x हो जाएगा, और अपने को यहाँ पर 3x चाहिए तो कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 3/2, हमको 3/2 चाहिए ना यहाँ पर, तो कर देंगे 3/2। 3/2 करने से क्या होगा, 2 कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा 3x। ये तो पीछे आप पढ़ चुके हो ना, यदि किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो देखें पहले पैटर्न को, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का हमारा जो सीरीज चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, आपको पार्ट वाइज उसको देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ पर 2ab, तो b का वैल्यू क्या है 3/2, इसका हमको स्क्वायर करना है, 3/2 के स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया और प्लस इसको माइनस कर दिया। वैसे पोर्शन आपको बताने की जरूरत नहीं था, ये आप कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कंप्लीट बता रहा हूँ, और प्लस 5/2 ये होगा, ओके। अब यहाँ पर आपको मैं मूव कर करके ही पेज को बता रहा हूँ आपको, ऐसा करने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि आपको ये दिखता रहे थोड़ा साइड से। फिर एक साथ कंबाइन कर देंगे अपन। अब ये हमको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बहुत लंबा बनता है क्वेश्चन क्योंकि दो पैटर्न ऐड हो गए ना, 1/4 dx इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर ये वाला पोर्शन, और ये है -9/4 प्लस 5/2, ये -9/4 प्लस 5/2 दैट इक्वल 1/4 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा LCM 4 आएगा,
एलसीएम 4 आएगा तो माइनस 9, ये हो गया माइनस 9 और प्लस 10 मतलब 1/4, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1/4 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करें, पुट करें, दो क्वेश्चन बन रहा है, परेशान मत होना, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, वैसे जनरली बहुत बड़ा पैटर्न क्वेश्चन नहीं आता। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं क्या, x प्लस 3/2 इक्वल टू टी, तो देयरफॉर dx इक्वल टू dt, देयरफॉर हमारा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह में dt हो जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल 1/4। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1/2, तो dx/x² प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला तो मैं देख लूँ, टेन इनवर्स के फार्म में आता है ना, x प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 1/2, वन अपॉन ए, दैट इक्वल 1/a, तो 1/ क्या होगा, a का वैल्यू क्या है अपने पास 1/2, ये a है, तो 1/2 इंटू टेन इनवर्स t/a होता है यहाँ पर, t/1/2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स t/1/2, ओके। अब t जो हमने सपोज किया उसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, मैं आपको एक एक पार्ट में करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे पार्ट पार्ट में आपको करना भी है खुद से, पार्ट पार्ट में पेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने के तरीकों को देखना, मैं बोर्ड में कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो देयरफॉर I2 इक्वल 1/4 इनटू, यहाँ पर देखो 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 इंटू टेन इनवर्स, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2t, तो 2 और t का वैल्यू क्या है, t हमने क्या सपोज किया है, देखो x प्लस 3/2 को, ये हो जाएगा x प्लस 3/2, दैट इक्वल, ये हो जाएगा कैंसल आउट होगा, तो 1/2 टेन इनवर्स, और अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x+3, क्लियर, ये हो गया, नंबर देने की जरूरत नहीं, I2 का वैल्यू, I1 निकाल लिया और I2 निकाल लिया, देयरफॉर I=I1+I2, ये सेकंड में, ये किसका वैल्यू है, I1 का वैल्यू 1/4 लाख 2x² + 3x + 5, ये I1 का वैल्यू है, यहाँ पर I1 और I2 के वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, ठीक है, 1/4 लाख 2x² + 3x + 5, 1/4 लाख, फ्रॉम सेकंड 1/4 लाख, क्वेश्चन को लिख देता हूँ तो क्वेश्चन ही रहता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और प्लस I2 का वैल्यू अभी हमारे सामने है क्या, 1/2 टेन इनवर्स, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इसका लेंथ देख के परेशान मत हो जाना, ये आंसर होगा, मतलब हमने I1 I2 का वैल्यू को पुट अप कर दिया, ठीक है, 1/2 टेन इनवर्स 2x+3+c, ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, फ्रॉम सेकंड में ये I1 का वैल्यू है, पीछे से आपने देखा है, ये वाला हमारा I1 का वैल्यू है
और ये वाला क्या है आई टू का वैल्यू है। आई वन आई टू के वैल्यू को हमने बारी बारी से निकाल के उसमें रख दिया। अब मैं ऐसा आपको एक साथ बता सकूं करके पेज को स्क्रॉल करके मैंने आपको पढ़ाया है, एक साथ मैं इसको आपको कंबाइन कर देता हूं, वैसे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि मैं पार्ट पार्ट में सबको बताया हूं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको दिखा दूं, ये वाला पोर्शन, सेकंड पोर्शन में आपने क्या किया है, ये आई टू का वैल्यू फाइंड किया है, इसके बाद ये वाले पोर्शन में हमने क्या किया है आई वन का वैल्यू फाइंड किया है, ये आई वन का वैल्यू डायरेक्ट लॉक करके, और ये वाले पोर्शन में मैंने उसको कंप्लीट एडजस्ट। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा मैं, ये मेथड बहुत लेंदी हो गया तो यहाँ से मैं ये जो ए बी का वैल्यू फाइंड किए हैं ना इसको इतना लेंदी नहीं ले जाऊँगा, उसको मैं शॉर्टकट तरीके से, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे यूज़ करो क्योंकि बहुत से एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसको कंप्लीट डिटेल में बताओ, बाकी आपकी मर्जी, कंप्लीट एग्जाम वगैरह में अपन शॉर्टकट कर देते हैं। तो देखो इसको मैं आपको छोटा करूं तो देखो यदि आ जाए आपको दिखने के अप्रोच के लेवल में राइटिंग छोटा ही हो जाएगा लगता है, एक साथ में तो ऐसी राइटिंग में आए गए शायद ढंग से ना दिखे आपको। देखो इतना दिख जाए तो ऐसे जरूरत नहीं है, मैं तो सबको पार्ट पार्ट में आपको बता दिया, इस पैटर्न को इसीलिए मैं अप्लाई किया कि एक बार भी यदि दिख जाए तो ठीक है जूम वगैरह करके, ना दिखे तो दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये वाले पोर्शन में हमने ए बी का वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्म में चेंज किया उसको, ये वाले पोर्शन में दो इंटीग्रेशन के फॉर्म मिले आई वन आई टू, तो आई वन का वैल्यू फिर आई टू का वैल्यू और आई वन आई टू के वैल्यू को पुट अप कर दिया, और उसके पहले मैंने आपको उसको डिटेल में एक एक पार्ट में बता दिया है। तो मेथड तो आप समझ गए, आप कर सकते हैं ओके, लेकिन एक बार मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अब मैं तो पास में हूँ बोर्ड के, मुझे दिख रहा है, पता नहीं कैमरे से दिखने के बाद आप जब उसको देखेंगे तो शायद बहुत छोटा लेटर दिखे, लेकिन मैं एक बार सबको कंपेयर कर दिया इस तरह से, और पेज टू पेज मैंने आपको उसको बताया भी है ओके। तो आप उस पेज टू पेज आप उसको अपने नोटबुक में नोट करिए, प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। फाइनली आपको खुद से बनाना है। यहाँ पर मैंने आपको पार्ट पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट में आपको बताया। चलिए मैं इसका आपको एक दूसरे मेथड से बता दूँ, दूसरा मेथड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड जब थोड़ा शॉर्ट होगा आप उसको देख लेना, ज़रूरत रहे तो अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आई इक्वल, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करने के लिए। कभी कभी हम एकेडमिक से बाहर हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हमको बूस्टअप करने की आवश्यकता होती है, और हम लेके आए हैं आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर्स 2021। यहाँ अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये हमारे एजुकेटर्स हैं और ये हमारे फॉर्म हैं गेम ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा, मैजिक, आपके अंदर कोई मैजिक एक्टिविटी है वो आपको सिखाया जाएगा, डूडलिंग, पोएट्री के लिए, कोडिंग के लिए, एक्सेल के लिए और रोबोट मेकिंग के लिए, साथ ही ऐप क्रिएशन के लिए। आप इसमें से किसी भी पैटर्न पर आप जाके अपनी क्रिएटिविटी को और बूस्टअप कर सकते हैं, और ये हमारा होने वाला है फ्री सेशन 31 जनवरी को 9 AM। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने एकेडमिक नॉलेज से ऊपर आपके अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ओके, थैंक यू। क्वेश्चन आप क्या है, x प्लस टू अपन 2x² + 6x + 5, x + 2 upon 2x² + 6x + 5 dx। इस क्वेश्चन को, इस मेथड को आप सीख लो सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप उसको दैट इम्प्लाइज आई इक्वल इंटीग्रेशन, आप थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत दिमाग लगाने वाला मेथड है। यहाँ पर मैं उसको ए डी बाई डी एक्स और बी, ये सब कुछ नहीं सपोज कर रहा हूँ, ओरल वर्क कर रहा हूँ। कैसे देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यदि इस मेथड को आप सीख गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में फटाफट आप इतना लेंदी बनाना नहीं पड़ेगा, आसानी से बना सकते हो। तो ये जो पोर्शन उसका डिफ्रेंशिएट करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो
हर में है, जो डिनोमिनेटर में है उसका अवकलन करके ऊपर लिख रहा हूँ, तो 2x² का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 6x का कितना हो जाएगा, 6, इसका हो गया 6, ये मैंने लिख दिया। और इसको तो ऐसे ही रहने दिया, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ध्यान से सुनना भाई। अब यहाँ पर आप सोचो कि x प्लस 2 था, उसको 4x प्लस 6 लिख दिया, तो गलत है भाई, मैं x प्लस 2 को इतना कैसे लिख दूंगा, नहीं लिख सकता। तो अब क्या करो, उसको ऐसा एडजस्ट करो कि वो वही आ जाए, ऐसा एडजस्ट करो उसको। तो उस तरह से आप देखोगे उसको तो क्या होगा, यहाँ पर चाहिए 2x, यहाँ पर चाहिए x और है यहाँ पर 4x, तो 1/4 का मैं बाहर में गुणा कर दिया। अब 1/4 जब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1/4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होकर x बचेगा, तो इसका काम तो हो गया। लेकिन 1/4 जब 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा, वो देगा 3/2, वो दे देगा 3/2, ये 3/2 दे रहा है और अपने पास है 2। तो आप सोचो कि 3/2 में मैं क्या ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं कि 2 आए, 3/2 यहाँ पर बचा है, 3/2 में मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं, अपने आप आ जाएगा वो, कि वह क्या आए, 2 आए। तो मान लो x, जोड़ा तो 2 आया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 मतलब 4 माइनस 1, मतलब 1/2, कहने का मतलब आ गया 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर यदि मैं प्लस 1/2 ऐड करूँ तो ये काम हो जाएगा, कैसे देखो, अब काम आपका हो गया। यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 कटेगा और 4 कट के क्या बचेगा, x, और इसके साथ 6 में हो जाएगा 3/2 और मैंने किया है 1/2, तो हो जाएगा x प्लस, ये दोनों को जोड़ूंगा तो 2 लघुत्तम आएगा और 3+1 4/2, तो x प्लस कितना आएगा, 2, ये x प्लस 2 आ गया। तो जो m n इतना अपन सपोज करते थे उससे हम बच गए, एक लाइन में लिख दिया ना, a सपोज, m n नहीं, a भी सपोज किया था, कई राइटर लोग m n सपोज कर, तो ये कुछ भी नहीं किया, ये हो गया। अब अगले लाइन में हम चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 1/4, और इसको 2 बार लिख देता हूँ, ये 4x कहाँ पहुँच गए, आप ध्यान दो, पीछे टॉपिक को ध्यान दो, हम कहाँ पर पहुँच गए, 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये dx एक पार्ट ये हो गया, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6x प्लस, पूरा नहीं बनाऊंगा इसको मैं, इसके बाद कंप्लीट कर दूंगा, दैट इक्वल, देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने i1 कहा था, और ये वाला हो गया इसका सेकंड पार्ट जिसको हमने i2 कहा था, और दोनों को इंटीग्रेशन आगे किया हूँ, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं नई बात आपको सिर्फ ये बता रहा था, ये वाला पोर्शन को कैसे एडजस्ट करेंगे, यदि आप ऐसा कर दिए तो करीब 6-7 लाइन आपका बच जाएगा, क्लियर। देखो पीछे, वैसे फाइनली मैं सबको कंपेयर कर दिया तो वो वाले पोर्शन उसके चले गए ना, तो आपको वीडियो जब आप देखोगे, हाँ नहीं तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो परेशानी हो जाएगी, या तो फिर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरे पेज को रहने दूंगा। तो आप इसके पहले, क्योंकि एक पेज बस सेव होगा उसका जो अभी आपको दिख रहा है, उसके पहले के जो पार्ट हैं वो मेरे पढ़ाते वक्त ही आपको साथ में लिखना होगा उसको, ठीक है, मतलब वीडियो को आपको शुरू से देखना पड़ेगा, अचानक आप यहाँ पर देख के करोगे तो राइटिंग इतनी छोटी है आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, तो आपको उसको पार्ट पार्ट में ही करना है, ये आगे के वीडियो में मैं उसको कंप्लीट पेज को आगे बढ़ा के कर देता हूँ, ओके। चलिए तो ये हो गया, इसके बाद इसके आगे का वर्क आप पहले जैसे कर लेंगे, ये मैं आपको इसके प्रीवियस पोर्शन में बता चुका हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पैटर्न है इसी पर, px प्लस q अपॉन रूट ऑफ, अब आप उसमें रिपीट आप समझ सकते हो, i इक्वल px प्लस q अपॉन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें नया कुछ नहीं करना है, इसमें नया आपको कुछ नहीं करना है, वही काम को करना है
बस ये क्या रहेगा, रूट के अंदर है, बाकी सेम टू सेम वही काम करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को मैं आपको उस पोर्शन में ले जाके बता देता हूँ जहाँ पर ये हल हो जाता है, पूरा बताने की जरूरत नहीं, वही वही काम है। चलो एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं अपन, रूट वाला। एक्स प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस टू जैसा भी लिया थे अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। फाइव एक्स प्लस सिक्स सही है ना, ठीक है, फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब क्या कर रहे हैं आपको, बस इसमें रूट है और कुछ नहीं है, तो काम वही करना पड़ेगा। क्या मैं डिटेल मेथड से बताता हूँ। लेट एक्स प्लस टू इक्वल, उसी तरह से आप सपोज कर लोगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये सपोज कर लोगे, और प्लस बी दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस टू इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ये हो जाएगा 2x प्लस फाइव प्लस बी, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस टू इक्वल, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2ax प्लस फाइव ए प्लस बी। इस तरह से अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आप देखो ये x है और ये x का गुणांक है, ये 2 है और ये कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ से हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो देयरफॉर x का गुणांक 2a और यहाँ पर x का गुणांक 1, तो यह हो जाएगा 2a इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज a इक्वल 1 बाई टू एंड 5a प्लस बी, ये 5a प्लस बी है और इसका कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 2 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज a का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो तो 5 इंटू 1 बाई टू प्लस बी इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू 2 माइनस 5 बाई टू, देयर फोर बी इक्वल टू एलसीएम आएगा तो 4 माइनस 5 माने माइनस 1, 4 में से माइनस 1 बाई टू, तो ये a का वैल्यू हो गया और एक किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया। देयर फोर अब यहाँ से आप देखो ये जो आप वैल्यू निकाल के रखे हो ये वाला वैल्यू, इसको हम यदि चेंज करें तो x प्लस टू इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू a, a का वैल्यू 1 बाई टू और ये हो गया 2x प्लस 5 और b का वैल्यू माइनस 1 बाई टू, ये हो गया किसका वैल्यू, x प्लस टू का। अब इस x प्लस टू के वैल्यू को हम कहाँ पर पुट अप कर देंगे, यहाँ पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पुट अप करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप देखो देयरफॉर आई इक्वल टू, उसका वैल्यू हम पुट अप करें तो एक्स प्लस टू का वैल्यू ये है 1 बाई टू 2x प्लस 5 माइनस 1 बाई टू, इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे जैसा भी मैं सिखाया हूँ ना वैसा, और अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हो जाएगा, ओके दैट इक्वल, अब इसको आगे लिखें तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx और प्लस सेकंड पार्ट में माइनस आएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन करो सफिशियंट है। माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। अब आप देखो आप दोनों पैटर्न का क्वेश्चन आप आगे कर चुके हो, दोनों पैटर्न का क्वेश्चन आगे कर चुके हो, इसको आई वन ले लो इसको आई टू ले लो और दोनों का इंटीग्रेशन करके यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट अप कर दो, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हो जाएगा, दोनों के वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देना। तो यहाँ पर कैसे इंटीग्रेशन होगा, देखो इसको आप क्या सपोज करोगे टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही आएगा तो रूट टी हो जाएगा, वो सपोज कर लोगे, और यहाँ पर आपने पीछे जैसा इसको होल स्क्वायर बनाओगे, मतलब ये दोनों तरह का क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो, ओके तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अब सीधा यह है ना, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5, तो इसको आप t सपोज करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, समझ में आ गया कि करना पड़ेगा, बन जाएगा ये पीछे किए हो, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है
तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो डी टी हो जाएगा अपॉन रूट टी, उसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्लियर। तो इस फॉर्म में आप उसको इंटीग्रेशन कर लोगे, 1/2 2x + 5 रूट ऑफ दिस, और ये डी टी अपॉन रूट टू हो जाएगा, क्लियर ना। तो इसको आप लोग इसको कर लेना और बाद में आई वन और आई टू के वैल्यू को पुट अप कर देना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये दो पैटर्न का क्वेश्चन आज आप करिए, दो पैटर्न का आप क्वेश्चन करिए, इसके पहले वाला जो मैं बताया उसको और इसको। ये तो आपको छोटा करने से भी दिख जाएगा एक साथ, क्लियर। यहाँ तक प्रोसेस कॉमन, इसके बाद इसको दो पार्ट में करो, आई वन आई टू, ये दोनों को आप, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं समझना। ये क्वेश्चन कितने बार अपन करेंगे, ये क्वेश्चन वही वही काम है, क्वेश्चन आप पीछे आप खुद भी छोड़ सकते हो, मेरे से बन जाएगा करके। यदि आपको अच्छा प्रैक्टिस हो तो ऐसा क्वेश्चन आप देखो पीछे कर चुके हो पिछले एक्सरसाइज में, और ऐसा क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, यहाँ पर टी सपोज करेंगे अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। इसको समझ पा रहे हो ना आप क्या करना है करके, बस इसको टी सपोज करना है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू टी सपोज करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 5 dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट अप करोगे तो i1 इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, और ये इसको हमने सपोज कर लिया dt, ये 2x प्लस 5 dx, ये इतना dt हो गया और अपान क्या हो गया, रूट टी। अब इसका समाकलन तो आप कर सकते हो, बाद में टी का वैल्यू को पुट अप कर दोगे। तो पूरे क्वेश्चन में वही पीछे का रिवीजन है, इसको आपको करने का जरूरत भी नहीं है, मेथड को समझो या एक क्वेश्चन तो मिनिमम आप कर लो, ओके। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिए इसको, फिर हम इंटीग्रेशन को आगे इसी तरह से, मैं रेगुलर आपको दो दो पार्ट इसका पढ़ाऊँगा, दो दो पार्ट पढ़ाऊँगा, ताकि दो दो पार्ट पढ़ाने से आप पैटर्न को ढंग से दिमाग में बिठा सकें। अदरवाइज़ एक ही दिन में, मैं तो इस तरह से आपको समझा के एक दिन में 4-5 पार्ट को पढ़ा दूं, बहुत गड़बड़ हो जाता है। मेरा लंबा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी मैं अर्जेंट में बहुत सारे प्रोसेस को अगले दिन स्टूडेंट आके बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा बना नहीं। इसलिए आप एक देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, डी एक्स अपान किया तो उसके उसी टाइप के रूट का किया, इस फंक्शन का मैंने पी एक्स प्लस क्यू अपान बिना रूट वाला एक फिर रूट वाला एक, लास्ट वीडियो में भी आपने ऐसी देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा उसमें भी सिमिलर टाइप के दो पैटर्न को, तो ऐसे आप एक एक पैटर्न को करते जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका सेल्फ प्रैक्टिस, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर इसको यहाँ ला के इनकम्प्लीट छोड़ दिया, अब उसको आपको कम्प्लीट करना उसको, और इसका अच्छा एक मिनट में आपको फाइनल आंसर बता दूँ क्या, हो सकता है आप पूरा सॉल्व करना चाहेंगे फिर आपको आंसर के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई आंसर क्या आया था। तो चलिए मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मैं फाइनल आंसर को लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का, ताकि आप बनाओ तो टैली तो कर सको ना कि क्या आया है ना। इसका आंसर आएगा रूट ऑफ रूट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक पार्ट ये होगा और दूसरे पार्ट का इसका आंसर होगा -1/2 log x प्लस 5/2 एक्स प्लस 5/2 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस सी। तो इसका आंसर होगा, देख लेना। यदि आप लोग, आप में से जितने स्टूडेंट करना है सबको ना, इस पार्ट को और इस पार्ट को इंटीग्रेशन करोगे तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये आएगा और सामने 1/2 है कैंसिल आउट होएगा, और दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन ये आएगा, तो आपका फाइनल इक्वेशन आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पर रेड इंक से लिखा हुआ है, इसको टैली कर लेना, ओके। तो ये करना और नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना, इन्फॉर्म करना कि सर उसका आंसर नहीं आया, फिर मैं इसको दोबारा बता दूंगा आपको। सवाल ही नहीं है कि ना आए क्योंकि आप इसको बना चुके हैं, तो इसको प्रैक्टिस करिए, ओके ओके, थैंक यू।